नमस्कार दोस्तों, मेरी केदार घंटा सीरीज़ कंप्लीट हो गई। तीनों वीडियो अपलोड करने के बाद में उन वीडियो से मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं कि इस केदार घंटा ट्रैक का सबसे बेस्ट टाइम क्या रहेगा, इसके लिए कौन कौन से गियर्स की ज़रूरत पड़ती है और वो गियर्स हमें कहाँ से रेंट में मिलेंगे, कौन सी ट्रैवल एजेंसी गुड एंड ट्रस्टवर्थी रहेगी, कितना पैसा लगा, अल्कोहल अलाउड है कि नहीं है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ कमेंट्स मिले। तो इन सारे कमेंट्स के जवाब मुझे देने के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। जो कमेंट किए उनके सभी के जवाब दिए जाएंगे और मुझे लगता है कि आपने कमेंट नहीं किए और कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको देनी चाहिए और जो छूट रही है, सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आपको इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आपको इस केदार घंटा ट्रैक पर जाने के लिए कहां से कहां तक जाना है। सबसे पहले आपको देहरादून पहुंचना होगा। देहरादून से आपको सांकरी जाना पड़ेगा। सांकरी गांव है उत्तरकाशी में। वहां पर पहुंचने के लिए अगर आपने किसी ट्रैवल एजेंसी से ये पैकेज बुक करा रखा है तो वो उनके पैकेज में इंक्लूड है कि आपको देहरादून से लेकर के सांकरी तक छोड़ा जाए और सांकरी से फिर वापस देहरादून लाते हैं। ये ट्रैवल एजेंसी के पैकेज में इंक्लूड है। अगर आप पैकेज नहीं लेते हैं, आप पर्सनल जाते हैं, तो वहाँ पर आपको ट्रैवल टेम्पो मिलता है, प्राइवेट टैक्सी कर सकते हैं और आप बस में भी जा सकते हैं। बस का किराया शायद 400 के आसपास रहेगा और आपका ट्रैवल जर्नी 8 से 9 घंटे का होगा। अगर आप ट्रैवल टेम्पो में जाते हैं तो टैक्सी में 7 घंटे और बस में 9-10 घंटे लग जाते हैं। केदार घंटा ट्रैक एक 5 डेज ट्रैक है। सबसे पहले आपको देहरादून पहुंचना होगा। देहरादून से सांकरी आपका लगभग पूरा दिन लग जाता है, तो एक दिन आपका वहां चला गया। सांकरी में आपका नाइट स्टे हो जाएगा। सांकरी में नाइट स्टे करने के बाद सुबह जल्दी आप गियर्स ले लेंगे रेंट पर, अगर आपके पास में नहीं है तो, और खरीदना चाहें तो भी वहां पर मिल जाता है। लेकिन रिकमेंड नहीं करूंगा कि महंगा मिलता है। अगर आपको गियर्स खरीदने हैं तो देहरादून से डिकैथलॉन से खरीद लीजिए। पिकनिक स्पॉट, मुझे कोई डिकैथलॉन में ऐसा नहीं है, जगह नहीं बैठने की, खरीदे हैं काफी और पीछे तो पता नहीं कितने आ रहे हैं उनके हजारों में। तो रेंट पे लेने के बाद में आपका ट्रैक शुरू हो जाएगा। अब आपको पैदल चलना शुरू हो गया। 3 दिन तक चलना है आपको। सांकरी टू चुदा का तालाब फर्स्ट डे, आपका डे सेकेंड डे, फर्स्ट डे देहरादून टू सांकरी, सांकरी टू जुदा का तालाब। आपका नाइट स्टे जुदा का तालाब में ही होगा। वहाँ का जो फ्रोजन लेक है बहुत अच्छा है, वहाँ पर आप स्लाइड कर सकते हैं, बहुत एंजॉय आता है। लेकिन कई की लोग सांकरी टू हरगांव भी करते हैं, फिर हरगांव से वापस बीच में वापस मिल जाते हैं, बेस कैंप में रास्ता सेम हो जाता है। तो आप, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप जुदा का तालाब ही करिए, सांकरी टू जुदा का तालाब करिए। थर्ड डे आपका होता है जुदा का तालाब टू केदार घंटा बेस कैंप, वहाँ पर नाइट स्टे करेंगे आप। आपको सुबह जल्दी 2 बजे उठा दिया जाता है, आपको 3 बजे वापस ट्रैक शुरू करना है फोर्थ डे का। फोर्थ डे में आप 3 से लेके 7 बजे तक सबमिट कर लोगे, आप पीक पर सबमिट हो जाएगा आपका। सनराइज़ अच्छे से देख लीजिए, सनराइज़ करने के बाद आप वापस 8 या 9 बजे वापस रिटर्न कर सकते हैं। आप वहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रोक सकते हैं, बहुत ज़्यादा हवा चलती है, वह काफ़ी ठंड होती है और आपको ब्रीदिंग भी प्रॉब्लम रहती है, काफ़ी ऑक्सीजन लेवल कम होता है, लेकिन इतना भी नहीं है। और वापस आते वक्त एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ेगा, मतलब हवाई जहाज में नहीं, हेलीकॉप्टर भी नहीं है, स्लाइड ऊपर से फिसल करके सीधी स्लाइड करके आ सकते हैं। अगर आपको एडवेंचर करना है तो करनी चाहिए, लेकिन कई कई लोग नहीं कर रहे थे, उनको रिस्क लग रहा था, लेकिन इतना रिस्की है नहीं।
काफ़ी मज़ा आता है, हमने भी किया था। आप मेरा जो सेकंड डे वाला जो वीडियो है केदार घंटा सबमिट वाला, वो आप देख लीजिए, उसमें स्लाइड कर रहे हैं हम, तो आपको चलना काफ़ी कम पड़ेगा। आप वो उसी दिन फोर्थ डे ही वापस सांकरी पहुंच जाएंगे, क्योंकि उतरते वक्त आपको इतना ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। फोर्थ डे आप वहीं स्टे करेंगे, फिर वापस फिफ्थ डे आप अर्ली मॉर्निंग वहाँ से देहरादून के लिए निकल जाएंगे। अतुल भट्ट जी पूछते हैं कि भाई कौन से डेट की है वीडियो, आई एम ऑल्सो गोइंग नेक्स्ट वीक, हेल्प मी विद सम टिप्स। हाँ जी अतुल जी, बिल्कुल आपकी सहायता की जाएगी पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ में। आप बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, सारी जानकारी इस ट्रैक के रिगार्डिंग दी जाएगी आपको। प्रत्येक रंजन जी पूछते हैं कब गए थे इस ट्रैक पर, तो हम गए थे 28 दिसंबर 2020 को और हमने सबमिट किया था 2021 के न्यू ईयर के दिन 1 जनवरी 2021 को। रोहित यादव ब्लॉग ये पूछते हैं कि नवंबर एंडिंग में स्नो मिलेगी क्या ब्रो, नवंबर में आपके चांसेस कम रहते हैं, दिसंबर एंड जनवरी में आपके स्नो रहने के पूरे पूरे चांसेस हैं, लेकिन वहां पर लाइव स्नो उस दिन होगा ये कोई जरूरी नहीं है, वो होता डिपेंडिंग ऑन द वेदर, हमेशा स्नो नहीं होता, कभी कभी होता है। तो आपको 2-3 दिन पहले की स्नो आपको मिल जाएगी वहाँ पर फ्रेश स्नो, लेकिन उसी टाइम स्नो हो रही है ये नहीं बता सकते हम कि कब स्नो होगी, क्योंकि वो तो कभी होती है कभी नहीं होती है। शिवांग श्रीवास्तव जी पूछते हैं किस ग्रुप के साथ गए हैं आप, और सेम कमेंट विशाल वैश्य का है, ये शायद आसाम से होंगे। ब्रदर प्लीज टेल मी विच ट्रैवल एजेंसी इज गुड एंड ट्रस्टवर्थी, वी कांट चूज इंडिया हाइक एज आवर डेट डजंट मैच। हाँ इंडिया हाइक भी अच्छा है, हिमालयन ट्रैकर भी अच्छा है। रही बात मेरी कि मैं किन के साथ किया था, नाम था वाइल्ड सोल एडवेंचर, WILD वाइल्ड SOUL सोल एडवेंचर, वाइल्ड सोल एडवेंचर की जो ऑनर है वो खुद एक एवरेस्टर है, उन्होंने एवरेस्ट पर तिरंगा गार्ड रखा है, तो मैं उनके साथ गया था, बहुत अच्छे हैं वो, आपको मोटिवेट करेंगे। आप बीच में जैसे गिव अप कर देते हैं कई लोग, उनको मोटिवेट कर करके वो चढ़ाते हैं, वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा उनका ये जो बिहेव था उनका। और आपको हर टाइम जैसे कि आपको रास्ते में चलने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको वो इस तरह की आपको एक्सरसाइज बताते हैं, टेक्निक बताते हैं कि आपको कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। तो मैंने उनसे फ़ोन करके पूछा कि सर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, उस वीडियो में मैं आपके नंबर दे सकता हूँ क्या, क्योंकि जो लोग पूछ रहे हैं कि आपने किन के साथ में किया, क्या पता वो भी आपके साथ करना चाहें ट्रैकिंग, तो नंबर दे दो। उन्होंने बोला हाँ ठीक है बिल्कुल दे दीजिए। तो मैंने बोला अच्छा दे तो रहा हूँ सर मैं, लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिलेगा। बोला क्या चाहिए आपको, मैंने बोला मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए आप कुछ डिस्काउंट कर दीजिए। उन्होंने बोला अरे वाह, तो बोला कि आपको 500 रुपये आपके कम कर देंगे, 8,500 का है आपके 8,000 रुपये लग जाएंगे। मैंने बोला 8,000 तो लास्ट टाइम भी थे, आपने डिस्काउंट किया क्या। नहीं नहीं कि अब रेट बढ़ गई है 8,500 है, सभी लोग 8,500 कर दिए, आपके 500 रुपये कम कर देते हैं हम। और उन्होंने बोला कि 8,000 भी अभी भी कोई लेके जा रहे हैं, लेकिन उनकी जो फैसिलिटी होगी वो और हमारी फैसिलिटी में अंतर है। तो मैंने सर 500 रुपये तो क्या कम कर रहे हो, तो चलो वैसे भी मैं आपकी बात से इम्प्रेस हुआ था कि आप अपने लिए कुछ ना मांग करके अपने सब्सक्राइबर जो लोगों के लिए आपने मंगाए, चलो आपको मैं 1,000 रुपये डिस्काउंट दे देता हूँ, आपको मैं 7,500 रुपये में जो भी आप अगर जाते हैं उनके पास में या कॉल करते हैं तो आप मेरा नाम ले लीजिए कि अचला राम ने हमें रिकमेंड किया है, या फिर YouTube चैनल का नाम बोलते सर ट्रैवलिंग टीचर कि उनकी वीडियो में हमने देखा और उनके हम सब्सक्राइबर हैं, तो आपको 7,500 रुपये में वो पैकेज दे देंगे। इसके लिए थम्सअप बनता है, उनके नंबर हैं जो स्क्रीन पर ये यहाँ पर हैं,
आप उनसे कॉल कर सकते हैं और अपना पैकेज बुक करा सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट आया है अंकुर अग्रवाल जी का, ये पूछते हैं भाई फैटी लोग के लिए डिफिकल्ट है क्या ये ट्रैक? देखिए फैटी लोगों के लिए क्या डिफिकल्ट नहीं है, फैटी लोगों के लिए सब कुछ डिफिकल्ट होता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। फिट की तो बात ही क्या है, जो फिट लोग हैं उस वो तो ऑब्वियसली बात है कि आपसे वो अच्छे से ट्रैक कर पाएंगे, लेकिन आपके लिए भी इम्पॉसिबल नहीं है क्योंकि विल पावर होती है ना किसी में तो वो कुछ भी कर सकता है। आप भले फैटी हैं फिर भी आप चढ़ सकते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ज़्यादा ज्ञान दे रहा हूँ क्या? एक्चुअली ज़्यादा ज्ञान की बात नहीं है, ये हमारे साथ में भी एक लड़की चली थी प्रियांजल नाम था उसका, वो भी बहुत फैटी थी, अराउंड लगभग मेरे हिसाब से 100 kg होगी। हमने सोचा ये कैसे ट्रैक कर पाएगी, लेकिन उसने वास्तव में कर दिखाया, काबिले तारीफ है यार। हमने किसी ने भी नहीं सोचा कि ये सबमिट कर पाएगी, लेकिन और उसमें एक बात भी और है कि जो विपिन जी हैं उन्होंने उसको बहुत मोटिवेट किया, वो कई कई बार पीछे भी रह जाती थी, सर उनके साथ में पीछे जा कर के उसका थोड़ी देर बोलते वेट करिए आप थोड़ा रेस्ट करिए, हम आगे चले जाते थे, विपिन जी उनको साथ में लेकर के आते थे, मतलब इस तरीके से वो मोटिवेट करके उनको चढ़ा दिया था, उनमें एक विल पावर थी लेकिन सर ने और बूस्ट दे दिया तो वो चढ़ गई। तो किसी के लिए इम्पॉसिबल नहीं अगर आप में विल पावर है तो। ऋषि सोनी जी पूछते हैं कि भाई रम या विस्की अलाउ है जस्ट फॉर वार्म बॉडी नॉट फॉर चिल? देखिए आप अगर ट्रैकिंग कर रहे हैं तो नहीं लेना चाहिए ये सारी चीज़ें, किसी भी प्रकार की नशा नहीं करना चाहिए, आपका वहाँ पर संतुलन नहीं रहता है बॉडी का माइंड का, अगर आप थोड़े लड़खड़ा गए खाई में गिर सकते हैं। और हमारे को वहाँ पर मना भी किया था कि ये अल्कोहल बिल्कुल अलाउ नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई अल्कोहल नहीं लेगा और स्मोकिंग भी नहीं करेगा। स्मोकिंग से क्या होता है कि जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो आपका ब्रीदिंग प्रॉब्लम आता है, वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है तो ब्रीदिंग की समस्या रहती है। हमने ऑलरेडी स्मोकिंग करते हुए जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा तकलीफ होगी, इसलिए स्मोकिंग और अल्कोहल दोनों ही नहीं करने चाहिए। अब बात आती है कि हम वहाँ पर ड्रोन उड़ा सकते हैं कि नहीं उड़ा सकते। एक्चुअली ड्रोन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप कहीं पर भी नहीं उड़ा सकते, वो एक कदरकंठा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो वहाँ पर ड्रोन उड़ाना अलाउ नहीं है, लेकिन कई लोग उड़ा रहे थे। अब एक ऐसी चीज़ जो किसी ने कमेंट नहीं किया था और मुझे लगा कि ये बहुत ज़रूरी है बताना, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन पैसों से, खाने से, रहने से, ट्रैवल करने से, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गियर्स, ट्रैवल गियर्स, उसके बिना ट्रैकिंग करना भी नहीं चाहिए। तो सबसे ज़रूरी गियर है वो है माइक्रो स्पाइक्स जो आपके जूतों के नीचे लगते हैं। आगे स्नो है, स्नो स्टार्ट हो गया और अगर स्नो अगर जमा हुआ है तो फिसलने के पूरी पूरी चांसेस है, ये हमारी मदद करेंगे ग्रिप ताकि हमारे कांटे बर्फ के अंदर फंसे ताकि हम फिसले ना। यस, फ्रेश स्नो में चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब वो स्नो पिघल जाती है और वापस जब वो जमती है तो एकदम हार्ड आइस बन जाती है, उस आइस के ऊपर चलना बड़ा ही डिफ़िकल्ट होता है, तो उसके ऊपर चलने के लिए आपको माइक्रोस्पैक्स पहनने ही पड़ेंगे ताकि उसमें जो कांटे होते हैं वो उस बर्फ में चुभ जाते हैं, ताकि आपका ग्रिप अच्छा बना रहता है, आराम से चल पाते हैं ताकि फिसलेंगे नहीं। जो ऑलरेडी ट्रैक बना हुआ है इस पर ज़्यादा फिसलन है, अगर हम इस ट्रैक को छोड़ कर फ्रेश स्नो है इसके ऊपर चलेंगे तो ज़्यादा इजी रहता हमारे लिए, ग्रिप अच्छी बनती है भाई, यहाँ पर स्लिपिंग और ज़्यादा होती है, बिना स्टेप्स के तो चलना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो वो तो बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप पर्सनल जा रहे हैं
तो आप इसको ज़रूर रेंट पे लें। लेकिन आप किसी एक ट्रैवल एजेंसी के साथ में जाते हैं तो ये एक गियर है जो वो प्रोवाइड करवाते हैं, बाकी वाले सारे गियर्स हैं वो आपको अपने पर्सनल लेके जाने हैं। हेड टॉर्च, ट्रैकिंग पोल, आपके जैकेट हैं, ग्लव्स हैं, वुलन कैप है, आपके सॉक्स हैं, ये और आपके शूज हैं, जैसे कि आपके पास में नहीं है मान लो जूते नहीं हैं ट्रैकिंग जूते, हाँ ध्यान रखना कि आप नॉर्मल शूज में ट्रैकिंग नहीं करें, बिल्कुल भी नहीं करें। आपका जो उसका सोल है वो बहुत ही ग्रिप उसका अच्छा होना चाहिए, और स्पोर्ट्स शू नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर का जो कपड़े का होता है शूज़, तो उसके अंदर से आपके स्नो जाने के पूरी चांसेस हैं, जिससे आपके पैर को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है, स्नो बाइट हो सकता है। तो ऐसा ना करें, जूते आप अच्छे लेके जाएं। अगर आपके पास में नहीं है तो आप रेंट पर ले सकते हैं। हाँ, ये ज़रूरी चीज़ थी कि हाँ इतने सारे आपको ट्रैकिंग गियर्स लेके जाने हैं तो इतने सारे ख़रीदना थोड़े महंगे पड़ जाते हैं, लेकिन मैंने सारे ख़रीद लिए थे शिवाय कि वो माइक्रोस्पैक्स वो उन्होंने दे दी, बाकी सारा सामान मेरा खुद का था, मैंने ख़रीद लिया था क्योंकि मुझे ये पसंद है करना, तो मैं आगे भी इसे करता रहूँगा, तो मैंने ख़रीद लिए थे, वन टाइम इन्वेस्टमेंट था। लेकिन आप ये वहीं सांकरी में आपको सारे के सारे गियर से वो मिल जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना आप जैसे ही वहाँ सांकरी पहुँचते हैं या उसी टाइम ले लीजिए या अर्ली मॉर्निंग जल्दी जा कर के ले लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि वो सारे के सारे रेंट पर दे देते हैं, उनके पास बचता नहीं है स्टॉक, तो ऐसा ना हो कि आपके पास आप लेना चाह रहे हो और आपको नहीं मिल रहा हो, फिर आपका पूरा मजा किरकिरा हो जाए ट्रैक का, ऐसा ना गलती ना करें। जैसे कि बहुत ज़्यादा मैंडेटरी क्या क्या है, माइक्रोस्पैक्स वो दे देंगे आपको जूतों के नीचे रख लेंगे, और ट्रैक पोल ले लीजिए ताकि आप कहीं भी डिसबैलेंस हो तो आप ट्रैक पोल की वजह से आप संभल सकते हैं, और चढ़ने में भी आपको सहूलियत होती है। अगर आपके पास में ट्रैक पोल है तो आपको आसानी रहती है चढ़ने में, आप ज़्यादा थकते नहीं, आपकी एनर्जी कम लगती है। जो ट्रैकिंग गियर है इसकी प्राइस लिस्ट मैंने शायद लास्ट वाले वीडियो में डाल दी है, आप लास्ट वाला वीडियो देख लीजिए अगर किसी ने नहीं देखा है तो, या आई बटन पर क्लिक करके इसको देख सकते हैं। सब गियर्स की रेंट कितने में मिलता है सब कुछ मैंने उसमें बताया गया है। बस इतना ही है मेरे हिसाब से बताना। अगर फिर भी आपके पास में ऐसा कोई सवाल रह गया है जो मैंने अभी तक जिसका जवाब नहीं दिया है तो कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपके कमेंट का जवाब दूंगा। टेक केयर, कीप ट्रैवलिंग, बाय बाय।